उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पागपड़ा थाना क्षेत्र के उमरी सब्जीपुर गांव में 12 वर्षीय किशोर ने मामूली बात पर नाराज होकर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सब्जीपुर गांव के किसान जय सिंह अपने 12 वर्षीय बेटे के साथ खेत पर मजदूरी करने गए थे। दोपहर में भूख लगने पर शिवम घर पहुंचा और अपनी माँ से खाना मांगने लगा। माँ ने तबीयत खराब होने की वजह से बासी रोटी शिवम को दे दी। ग्रामीणों की माने तो इसी बात से नाराज होकर शिवम ने कमरे में खुद को बंद करके फांसी लगाकर जान दे दी। मतलब यह खाने के ऊपर क्या हुआ था? मतलब खाना मांग रहा था वो, तो मतलब खाना मांग रहा था वो बच्चा, तो उसकी मम्मी बोले कि मैं बीमार हूँ, अभी बना रही हूँ, दो मिनट रुक जा। तो वो नाराजी में आन के मतलब वो ऐसा उन्होंने अपनी बकल लिया, वो मतलब आटा लेने के लिए चली गई, तो वो इतना आन के देखा तो मतलब उसने आत्महत्या कर ली। गाँव में क्या बच्चों में क्या थोड़ा समझाने वाला नहीं, वो दिमाग में वो गर्मी आ गई होगी उसके, जंगल था आया काम करके, तो मतलब ऐसा मसला आया। इतने छोटे बच्चे ने तो गांव में क्या लोग एकदम गम है, क्या है? गम क्या, कुछ नहीं है, वही गरीबी है, परेशानी आदमी की। आजकल आदमी गरीब आदमी है, परेशानी है बहुत, कहाँ से क्या करेगा आदमी बताइए। तो बस ऐसे ही दिमाग के हुए है, कुछ कमजोरी उसकी, बस यही मसला और कोई मसला नहीं। परिजनों को जैसे ही शिवम की मौत की खबर मिली तो परिवार में हड़कंप मच गया। जैसे तैसे शिवम का शव नीचे उतारा गया और बिना किसी पुलिस की कार्यवाही के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मामले में जब शिवम के परिवार से बात करनी चाहिए तो शिवम की मां की हालत काफी खराब होने के कारण बात नहीं हो पाई। वहीं आस पड़ोसी भी गुस्से में शिवम द्वारा फांसी लगाने की बात कह रहे हैं। पूर्व ग्राम प्रधान शानी हुसैन के मुताबिक उनकी जानकारी में कल ही ये बात आई थी कि गांव के ही रहने वाले जय सिंह के बेटे शिवम ने मामूली सी बात पर नाराज होकर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। अब परिजनों ने पोस्टमार्टम व पुलिस कार्यवाही से बचने के लिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। आप क्या, आपको बता तो दिया था जी, क्या जय सिंह का जो लड़का था, क्या है पूरा मामला? उसका वो जंगल से आया था और जंगल से आकर उसने माँ से रोटी मांगी, ना मालूम तकलीफ ही या क्या बात, माने रोटी न दी तो ऊपर चढ़ के बोलना फांसी खा ली। रोटी न मिलने पर हमें तो ये मालूम है। इतनी कम उम्र में बच्चे ऐसा कदम उठा रहे हैं, क्या वजह है आपके, आप तजुर्बेकार हैं, क्या लगता है आपको? ये अच्छा काम है, वो अपनी जान से गया, मुसीबत तो माँ बाप पर ही पड़ गई, जो भी पड़ेगी। अभी तक मामूली बात पर नाराज होकर जान देने की घटनाएं बड़े शहरों में ही सुनने को आती थीं। बदलते लाइफस्टाइल के कारण अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी जरा सी बात पर कम उम्र की नई पीढ़ी नाराज होकर अपनी जान देने पर आमादा है। इसके लिए परिजनों को चाहिए कि वे छोटी उम्र में ही बच्चों को अच्छी तरह काउंसलिंग करें ताकि वे किसी भी बात पर तनावग्रस्त होने पर कोई भी जानलेवा कदम न उठाएं।